हेलो दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, मैं आज बहुत दिन के बाद अपने खेत में आया हूँ इकरा कटिंग करने का, क्योंकि इकरा का कटिंग अभी चल रहा है। देखिए, यहाँ पर काट कभी रखा गया है और यही इकरा में से काटना है, क्योंकि इकरा का काम पड़ गया। इसीलिए हम अभी जस्ट अभी आए हैं और कटिंग कर रहे हैं, और हम आप लोग से दिखाना चाहते हैं जो अभी कितना दिन के बाद, लगभग एक महीना के बाद इधर में हम लोग आए हैं, क्योंकि अभी जस्ट आए हैं और कटिंग चल रहा है इकरा का। और पूरा विस्तार से वीडियो देखते रहिएगा और लास्ट तक ले देखिए, क्योंकि अभी धान गेहूं भी इतना बड़ा बड़ा हो चुका है और पानी उनी सब पट चुका है, खाद उधर यूरिया इसको दिया गया है। क्योंकि जब हम धान काट रहे थे वो भी वीडियो हम आप लोग को दिखाए थे, और पूरा जड़ी से लास्ट तक ले हमारे चैनल पर जितना भी दर्शक लोग हैं सब लोग देखा था। कमेंट भी अच्छा अच्छा मिला था और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला था, वीडियो को लाइक भी मिला था। और चारों तरफ देखिए, पूरा गेहूं इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, लगभग 25 दिन हो गया गेहूं को बोया हुआ, और पानी भी इसमें डाला गया है और खाद भी छींटा गया है। क्योंकि मेरा ब्लॉग वीडियो डेली ऐसा मेरा चैनल पर मिलता रहता है और आप लोग के सपोर्ट से डेली इस पर अपलोड किया जाता है। क्योंकि आज इकरा का काम चल रहा है, इकरा कटिंग हो रहा है और इसको काट कर अभी ये बोझा पूरा जाएगा घर, क्योंकि टाटी बनना ज़रूरी है, इसीलिए इकरा का कटिंग चल रहा है। तो हम आप लोग को डेली वीडियो आप लोग से हम दिखाता ही हैं और दिखाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसा ऐसा ब्लॉग डेली मिलता रहता है। क्योंकि चारों तरफ जब हम इधर आए हैं अभी कटिंग करने का, तो जस्ट अभी हमारे सामने से एक गेहूं सांप भागा है। क्योंकि देखिए, यहीं पर हम आपको दिखाते हैं, हाँ देखिए, ये डेनेर है पीछे, और यहाँ पर कटिंग काट रहे थे हंसुआ से, उसी समय एक गेहूं निकला बियल से। तो वो ठंडा का दिन है इसीलिए वो कुछ नहीं किया, ना तो काट लेता, और वो चल गया तो इकरा काट रहे हैं, क्योंकि इकरा का काम जस्ट पड़ गया है। इसीलिए तो हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को नए लोग हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसा ऐसा डेली ब्लॉग आप लोग को मिलता रहेगा। हमारा दो चैनल है, एक चैनल का नाम RS किंग है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा, और रियाज अंसारी के नाम से जो चैनल है उस पर भी ब्लॉग वीडियो, दोनों पर ब्लॉग वीडियो मिलता रहता है। तो आप लोग से मेहरबानी है, ये नए लोग हैं तो RS किंग को सपोर्ट दीजिए और उनका भी सब्सक्राइब बढ़ाइए, और मेरा भी चैनल है दो चैनल, तो इसका भी सपोर्ट दीजिए और सहयोग कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के दुलार प्यार से मेरा वीडियो अपलोड होता है और चलता है। ऐसा ऐसा ब्लॉग आप लोग को डेली मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। देख रहे हैं पीछे कितना हरा भरा है, डेली आप लोग का ब्लॉग ऐसा ही डेली मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। जितना भी नए दर्शक लोग हैं आप लोग सपोर्ट दीजिए हमारे चैनल को, और ऐसा ऐसा देखिए चारों तरफ कितना हरा भरा खेत में गेहूँ निकला हुआ है। यही मेरा खेत है अभी, जो जस्ट आप लोग दिखाई हैं पूरा खेत दिखाई चुके हैं हम आप लोग से, क्योंकि अब कल परसों इसमें और भी यूरिया डाल लेगा। तो आप लोग से मेहरबानी है जे हमारा चैनल को आप लोग सपोर्ट दीजिए, ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग का डेली मिलता रहेगा। और सरसों इसमें भी है, सरसों साग खाने के लिए हम लोग इसमें बोते हैं, सरसों भतुआ सब कुछ इसमें निकलेगा। तो हम लोग अभी छोटा छोटा है सरसों, इसीलिए हम लोग का अभी साग खाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है,